top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आप क्लास ले लीजिए ललित जी का जो है तो रोज ही क्लास लेता है जैसे पक्ष चलता हूँ आपके लिए जी सर मदद मांग रहे थे किसी सर मदद हाँ भाई सेटलमेंट हो जाए किसी का नौकरी मिल जाए खेती ललित भाई नाराज मत हो हमें इधर एक मदद अरे वैसे आज एसपी सिटी आप टाइट ले लिया जाएगा मेरे साथ नहीं आता पागल घोषित करके रखे हैं सर गांव पे पूरा गांव रिश्तेदार गांव रिश्तेदार सब पागल घोषित कर दिया पागल नहीं बीच नहीं और सर हम गंदगी बड़े सर इंटरनेट किया हुआ है सिपेट भी किया हुआ है विधानसभा क्या बोले थे विधानसभा वाले क्या बोले विधानसभा चुनाव है वो रिकॉर्डिंग चाहिए आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग है तुम पहले और भी कॉल किए हो ना हाँ सर कोई योजना हमें नहीं दे दी जाए बाहर रायबरेली क्या कॉल किए थे और 100 नंबर पे तो बहुत कॉल करते बहुत नहीं सुनवाई सर एक साल से कंप्लेन लिखाता हूँ ससुराल पक्ष का कंप्लेन है सर चालू कर दीजिए खाली समझौता करा दे हमारा ऐसी है ना वो दिन भर के चलाया हुआ होगा ये उस बार बार फोन कर रहे होंगे उसने रिएक्ट कर दिया देश का तो मोदी उसमें भी सर बीजेपी में आईडी है मेरा लेकिन बीजेपी की आईडी है ना मैं बीजेपी में कार्यकर्ता हूँ जी वो नंबर जो फोन पे सर देते हैं ना उसका है एमएलसी साहब के पास कहाँ गए थे वो हमारे वहाँ है सर क्षेत्र में कौन है भी है सर तो वहाँ सर प्रधान जी के पास अरे हाँ बाप पीछे पड़ गई अरे दिनेश सिंह है शासन कार्य बनवाने जा रहा था अब क्या नाम है आपका नरसिंह नरसिंह बताइए आपने कॉल किया था कोई धमकी वगैरह हाँ सर उद्देश्य नौकरी पाने नया पाने हैं अच्छा। बाकी कोई नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ क्या आइडिया आया किसने बताया कि आइडिया नहीं सर मतलब न्याय पाने के उद्देश्य अन्याय तो झेलते झेलते परेशान हो गया तो आप शब्द जानबूझ के मैंने ये शब्द कहे ताकि कुछ आगे हो तो आगे हाईलाइट होंगे सर कुछ ना कुछ तो होगा नहीं सर मर भी जाए हाईलाइट होने के लिए यही विचार क्यों आपके दिमाग और क्या करता सर और हकीकत में अगर कुछ कर देता तब तो हम भी मार दिए जाते मालूम मौखिक रूप से इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ कौन मार देता आपको सर जो पागल कर रखे हैं वो मौत के लिए ही तो और क्या मतलब है इन्होंने पागल किया हुआ रिश्तेदार और गांव वालों ने मिलकर संपत्ति सारी हमारी साहब छिड़ गए जमीन व जान लेवा है मेरे लिए कहाँ के रहने वाले रायबरेली जो इंडियन टूरिज्म का कस्टमर केयर है जो फ्री लैंडलाइन सेवा है उस पर एक व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई थी कि या तो जो चारों धाम का में जो चढ़ावा चढ़ता है वो मुझे दे के मुझे ट्रस्ट में शामिल कर लो और नहीं तो हम इन मंदिरों को उड़ा देंगे इस तरह की बात उस लैंडलाइन पे आई थी और उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा अभियोग एक तहरीर दी गई जिस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया सेक्टर 58 से धारा 507 और 387 के तहत जब उसकी विवेचना की गई तो उस आदमी को चिन्हित किया गया रायबरेली में जिसका नाम नरसिंह था और चांदपुर थाने के अंतर्गत से इसको वहां से बुलाया गया जब उसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने कहा कि मैंने तो इसलिए कर दिया था कि मेरी कोई सुनता नहीं था तो मैं भी अपने खाने पीने की व्यवस्था वजह इस तरह की बात कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि वो काम न करने वाला व्यक्ति है और उसने किसी सड़क के तहत इस तरह की कॉल कर दी